हाय गाइस, नैप्स की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमने बनाया है मूली की सब्जी, वो भी डिफरेंट स्टाइल में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने 4 मूली लिए हैं और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से काट लेना है। अब हम एक नारियल ले लेंगे और उसमें से हाफ को हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने देंगे, उसके बाद तेल डाल देंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। उसमें 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच काला जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी कटी हुई प्याज और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और अब हम इसमें मूली डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे और उसके बाद इसको 1 प्लेट से ढककर लो फ्लेम में 5 मिनट तक पका लेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए प्लेट को हटाकर देखते हैं। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में और 5 मिनट तक और पका लेंगे। ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है मूली को। ये देखिए, मूली को हमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर तक और उसके बाद हम इसमें नारियल डाल देंगे। और नारियल डालने के बाद हमें 5 मिनट तक और फ्राई करना पड़ेगा, वो भी फुल फ्लेम में। ये देखिए, मूली की सब्जी अब अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, नारियल मूली की सब्जी बनके रेडी हो गई है। अगर आपके बच्चे मूली खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरीके से बना के खिला सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।